फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कूलिंग सिस्टम, डीजी सेट्स जो होते हैं या डीजल इंजन जितने भी होते हैं उनमें कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, क्या इफेक्ट है कूलिंग सिस्टम का, क्यों कूलिंग सिस्टम लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो फ्रेंड छोटी होने वाली है, बने रहिए अंत तक। फ्रेंड्स देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है कूलिंग सिस्टम इन डीजीज, डीजीज मीन्स डीजल जनरेटर या डीजल इंजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है इंजन में। नंबर एक, नीड ऑफ कूलिंग सिस्टम मीन्स जो जितने भी इंजन है डीजल इंजन है उनमें कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है। फ्रेंड्स देखिए होता क्या है कि जब कोई इंजन चलता है तो इंजन चलेगा तो कंबस्टन चैम्बर में फायर उत्पन्न होती है, मीन्स जो हमारा डीजल उसमें जाता है तो उसके बाद आग लगती है और कंबस्टन चैम्बर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कंबस्टन चैम्बर का टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या होता है कि उसकी वजह से सारा इंजन गर्म हो जाता है, और जब इंजन गर्म होगा तो उसके रिंग पिस्टन ये सारी चीज़ें भी गर्म होंगे, तो उसको फ्रंट ठंडा करना जरूरी है। अगर हम उसको ठंडा नहीं करेंगे तो वो क्या है, सीज हो जाएगा या जाम हो जाएगा। तो होना क्या है कि जो भी हमें कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है वो इंजन का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पड़ती है या इंजन को ठंडा करने के लिए पड़ती है। यदि आपसे कोई भी पूछता है तो आप उसको बता सकते हो कि एक मेंटेनिंग टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इंजन का कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात है ओवरहीटिंग के क्या नुकसान होंगे। मान लो अगर वो ओवरहीट होता है यानी टेम्परेचर उसका ज़्यादा चला जाता है तो उसके क्या नुकसान होंगे। फ्रेंड्स देखिए कोई भी इंजन ओवरहीट होगा तो उससे एक तो जितने भी उसका कंबस्टन चैम्बर में क्या है, कंबस्टन चैम्बर उसमें पिस्टन चलती है, लाइनर चलता है, सिलेंडर चलता है, तो फ्रेंड्स होगा क्या कि उसका लाइनर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पिस्टन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसके कारण रिंग खराब हो जाएंगे, वाल जल जाएंगे और वो सारा सिस्टम जलने के लिए क्या हो जाएगा, वो फ्रेंड्स जाम हो जाएगा यानी सीज हो जाएगा। पहली कंडीशन तो ये है कि इंजन खराब हो जाएगा, सीज हो जाएगा। दूसरा अगर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है मीन्स कि जो लिमिट हमने रखी है उससे ज़्यादा चल रहा है तो होगा क्या कि जो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो वियर एंड टियर बढ़ जाएगा। और तीसरा जब टेम्परेचर ज़्यादा चलेगा तो फ्रेंड्स वो नियर बाई जितना भी टेम्परेचर होगा जो असेट और लगेंगे इंजन के पास वहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा रखेगा। तो फ्रेंड्स मेनली यही है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ओवरहीट होता है तो हमारे इंजन में वाल्व, लाइनर, पिस्टन, सिलेंडर और ये सारी चीज़ें एक निश्चित टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जल जाएंगी और हमारा पूरा इंजन सीज हो जाएगा। अगर और हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, अगर सीज होने से पहली कंडीशन में है तो जो हमारा इंजन है उसकी एफिशिएंसी भी कम रहेगी और हमारा जो इंजन का एवरेज है वो भी कम रहेगा। तो अगर मैं एक एक करके बात करूँ तो लॉसेस की, तो फ्रेंड्स नंबर एक, ल्यूब ऑयल अपना काम नहीं कर पाएगा, यानी ल्यूब ऑयल जो है वो लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा। नंबर दो, इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और नंबर तीन अगर मैं बात करूं तो जो डीजल इंजन का एवरेज यानी जो हमारा डीजल उसमें जलता है उसमें जो एवरेज आता है जिसको हम एफिशिएंसी भी बोलते हैं वो खराब हो जाएगी। डीजल इंजन का एवरेज लोड मीन एवरेज जो है वो कम आएगा, ठीक है। और चौथा मेजर नुकसान है कि उसका जो हमारा इंजन है वो इंजन सीज हो जाएगा, ठीक है, लाइनर पिस्टन और ये सब फूकने के बाद इंजन हमारा सीज हो जाएगा। तो ये सारे नुकसान है। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ कूलिंग यानी जो कूलिंग के टाइप्स हैं वो कितने प्रकार के हैं, हम इंजन्स में हम कितने प्रकार के यूज करते हैं। तो वो देखो मेनली दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक फ्रेंड ये देखिए एयर कूल्ड, नंबर दो वाटर कूल्ड, दो प्रकार के हम यूज करते हैं एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। एयर कूल्ड कौन से होते हैं और आपने कहाँ देखे हैं फ्रेंड्स। एयर कूल्ड जो होते हैं, एयर कूल्ड के यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा जो मोटरसाइकिल का इंजन देखा है तो मोटरसाइकिल का इंजन एयर कूल्ड होता है, उसके लिए अलग से कूलिंग करने के लिए कोई चीज़ नहीं लगी रहती। उसमें होता क्या है, जो इंजन रहता है फ्रेंड्स मान लो जिसमें लाइनर पिस्टन और सिलेंडर चलता है तो ये अगर हमारा सिस्टम है तो इसमें क्या है ऐसे करके फिन्स निकली रहती हैं, ये फिन्स होती हैं सिलेंडर पे चारों तरफ, ठीक है। तो ये क्या करती हैं फ्रेंड्स, जो हमारा लाइनर पिस्टन का सिस्टम है जो हमारा सिलेंडर है उसका एरिया बढ़ा देती हैं। जब एरिया बढ़ा देंगी तो इसमें जो नेचुरल एयर उसमें टच करती है
ये एयर जो है इसको ठंडा कर देगी ऑयल को। तो होता क्या है, आपने देखा होगा बाइक का जो इंजन होता है उसमें फिन्स निकली रहती है चारों तरफ को काफ़ी ज़्यादा। अगर दो सिलेंडर होगा तो दोनों सिलेंडर की फिन्स अलग अलग होंगी, सेपरेट बनाई जाती हैं, और सिंगल होगा तो सिंगल ही बनाई जाएंगी। अब उसमें सोचो आपकी एयर कहाँ से आती है फ्रेंड्स, फैन क्यों नहीं लगा होता। उसका क्या होता है, बाइक जब नेचुरली अपनी स्पीड से चलती है तो फ्रेंड्स फोर्स से एयर उसमें लगती है, वातावरण की जो हवा है उसमें लगती है, और उसकी वजह से वो ठंडा होता रहता है। उसमें हमें जो है फैन लगाने की आवश्यकता एयर की नहीं पड़ती। फ्रेंड्स अगर मैं इसके लाभ की बात करूं कि इसके एयर कूल्ड के क्या लाभ है, तो फ्रेंड्स एयर कूल्ड के लाभ यही है कि उसमें देखिए पहली बात तो सबसे सस्ता होता है, क्योंकि उसमें कूल फैन नहीं लगाना पड़ता, लाइन नहीं लगानी पड़ती, कूलेंट नहीं डालना पड़ता, कुछ भी नहीं डालना पड़ता, वो सस्ता होता है। नंबर दो, उसमें कुछ असेट भी कम लगते हैं जिसके कारण उसका मेंटेनेंस जो है वो मेंटेनेंस फ्री कह सकते हैं आप, या लोअर मेंटेनेंस कह सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी हानि की। इसकी हानि क्या है फ्रेंड्स, इसकी उतनी एफिशिएंसी नहीं रहती। और दूसरी चीज़, जो अगर हमारा वायुमंडल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए हमारा वायुमंडल का टेम्परेचर 50 डिग्री चल रहा है या 48 डिग्री चल रहा है, तो उसके हिसाब से एयर भी गर्म ही आएगी, और वो गर्म एयर इंजन को उतना ठंडा नहीं कर पाती जितना उसको करना चाहिए। तो हमें एफिशिएंसी कम मिलती है इंजन की, और इंजन के जलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वाटर कूल्ड। वाटर कूल्ड फ्रेंड दो टाइप का होता है। नंबर एक, सर्विस वाटर सिस्टम। सर्विस वाटर सिस्टम जिसमें कंटिन्यू पानी चलता रहे, ये ज़्यादातर मराइन इंजन में यूज किया जाता है, और ये हमें देखने के लिए नहीं मिले, क्योंकि अगर बिल्डिंग से रिलेटेड या डीजी या डीजल इंजन से बात करते हैं जो नॉर्मली यूज किया जाते हैं वो ये वाला यूज किया जाता है। तो नंबर एक हो गया सर्विस वाटर सिस्टम, और नंबर दो हो गया क्लोज लूप जैकेट वाटर सिस्टम। तो जो हमारे डीजल इंजन होते हैं या जो हमारे डीजल जनरेटर होते हैं उनमें मोस्ट प्रोबेबली यही यूज किया जाता है, क्लोज लूप जैकेट वाटर सिस्टम। अब इसको जैकेट वाटर सिस्टम क्यों कहते हैं, क्लोज लूप क्यों कहते हैं, क्लोज लूप मीन्स ये होता है फ्रेंड, जो उसमें कूलेंट होता है वो एक लूप में घूमता रहता है, कूलेंट हमारा बाहर नहीं जाता, ड्रेन नहीं होता कहीं भी, वो एक लूप में घूमता रहता है, इसलिए कहते हैं इसे क्लोज लूप। और जैकेट सिस्टम क्यों कहते हैं, जैकेट वाटर का मतलब हो गया जो हमारा सिलेंडर होता है, सिलेंडर के चारों तरफ एक, जो अब मान लीजिए सिंगल सिलेंडर इंजन है, सिलेंडर के चारों तरफ एक जैकेट टाइप की बनी रहती है जिसमें पानी चलता है सिलेंडर को ठंडा करने के लिए, लाइनर को ठंडा करने के लिए। अगर मान लीजिए मल्टी सिलेंडर है, 16 सिलेंडर 20 सिलेंडर है, तो उसमें सारों का एक बना दिया जाता है और उसमें से पानी गुजरता रहता है सिलेंडर के चारों तरफ से, उसे कहते हैं जैकेट। फ्रेंड्स फर्दर अगर हम इसकी बात करें तो ये भी दो प्रकार का होता है, नंबर एक रेडिएटर टाइप और हीट एक्सचेंजर टाइप। रेडिएटर टाइप वो रहता है फ्रेंड जिसमें फैन लगा रहता है, और रेडिएटर आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर कार वगैरह गाड़ी जो होती है उनमें सब में रेडिएटर यूज होता है, छोटे इंजनों में भी रेडिएटर यूज होता है जिसमें पानी ठंडा होके चलता रहता है, कूलेंट ठंडा होकर चलता रहता है। दूसरा होता है हीट एक्सचेंजर टाइप। फ्रेंड्स ये बड़े इंजनों में यूज होता है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर आपने देखे होंगे, जो आप डीजल के जनरेटर सेट लगे हुए हैं बिल्डिंगों में उनमें हीट एक्सचेंजर लगा रहता है। हीट एक्सचेंजर भी फर्दर दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स, PHE और सेल एंड ट्यूब टाइप। PHE हो गया प्लेट हीट एक्सचेंजर। फ्रेंड ये प्लेट टाइप का होता है, फिन्स टाइप की इसमें काफ़ी सारी होती है जिसमें पानी भी चलता है, कूलेंट भी चलता है। और ये होता है सेल एंड ट्यूब टाइप। फ्रेंड्स ये भी दो तीन प्रकार का होता है, सेल एंड ट्यूब टाइप होता है, ट्यूब एंड ट्यूब टाइप होता है। तो इस तरह से ये भी दो तीन प्रकार का होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सेल एंड ट्यूब टाइप ही यूज किया जाता है। मीन्स कि इसके ट्यूब में पानी चलता है कूलिंग टावर से, और सेल में जो है कूलेंट चलता है जो ठंडा होकर इंजन को वापस चला जाता है। फ्रेंड्स हम फर्दर जो बात करने वाले हैं इस वाले की अगली वीडियो में बात करेंगे डिटेल में कि ये कैसे काम करता है। तो आज हम इसमें इतना ही जानेंगे कि कूलिंग सिस्टम कैसे क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।